हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं अंजू त्यागी अपने यूट्यूब चैनल इंडियन अंजू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। पंजेब ना होती है पंजेब पायल, वो कैसे साफ़ करते हैं? ये सुनार के पास जाते हैं किसी, तो वो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं पायल साफ़ करने के, सॉरी, पायल साफ़ करने के बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो हमारे पास एक देसी नुस्खा है, मतलब उससे पायल चमक जाएंगे और वो सबको पसंद भी आएगा। तो अभी मैं करती हूँ पायल साफ़, फिर आपको दिखाती हूँ। तो पायल साफ़ करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी और ले लेते हैं। ठीक, अब जो सर्फ होता है ना, कोई से भी सर्फ हो, सर्फ एक्सल हो या टाइड या घड़ी, कोई भी हो, जो भी आपके पास हो वही सर्फ आपको यूज़ करना है। कोई से भी सर्फ यूज़ कर लो, डिटर्जेंट, थोड़ा सा सर्फ डाल लो। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पायल देखो, हमारी पायल देखो कितनी गंदी हो रही है ना, और ये ना हो ही जाती है, पता नहीं क्या होता है इनमें। आजकल की चांदी ऐसी ही होती है, कितनी अच्छी ले लो लेकिन गंदी हो ही जाती है। देखो कितनी गंदी लग रही है ये, है ना, कितनी गंदी लग रही है। और अभी हम इन्हें साफ़ करेंगे तो देखना कैसी चमकेंगी ये। देखो कितनी गंदी हो गई है। चलो अभी इन्हें हम साफ़ करते हैं। हमने पानी तैयार कर लिया है, अब हम इसे गैस पे रखते हैं उबालने के लिए। ये गैस पे रख दिया है ये पानी। अब इसमें ये पायल डाल दो। अब इसमें सारी पायल डाल दो और इसे अब ना उबलने देंगे, थोड़ी देर इसे उबलने देंगे, करीब 10 मिनट अभी इसे उबलने देंगे और फिर आप देखना बाद में ये कैसी चमक जाएंगी। बहुत आसान सी ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, सबको पसंद भी आएगी। और ये सुनार के पास जाते हैं ना, हम सुनार के पास जाते हैं, वो हमसे इस काम के बहुत पैसे ले लेते हैं, तो अब हम घर में ही कर सकते हैं ये काम, तो सुनार के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है पायल साफ़ करवाने की। बहुत आसान सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, सबको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना भाई, अगर अच्छी लगे ट्रिक तो, काम करे आपका तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अंजू त्यागी का चैनल इंडियन अंजू ब्लॉग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये उबल रहा है पानी, अब इसमें पंजेब डली हुई हैं, उबल रही हैं, तो बार बार बीच बीच में ना एक दो बार इसे चलाते चला देना चाहिए और ध्यान रखें कि जल ना जाए, गिर ना जाए तो इन्हें चला देना एक दो बार बीच में, इससे जल्दी साफ़ हो जाएंगी। देखो देखो थोड़ा सा तो कलर बदलने भी लगा है, देखो बदल रहा है ना। हाँ देखना, अभी देखना थोड़ी देर में ये साफ़ भी हो जाएंगी, चमकेंगी। तो ये उबलने देते हैं इन्हें थोड़ी देर, मंदी धीमी गैस पे, मंदी गैस पे, स्लो पे ही आपको इसे उबालना है, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो देखो तेज़ कर दी गैस, तेज़ करने पे ये बाहर आ जाएगी बाहर आ जाएगी। तो आपको धीमी गैस पे ही इसे उबालना है, मंदी गैस कर देनी है, मंदी पे ही उबालना है। 10 मिनट के लिए उबाल दो बस, बहुत है, काफ़ी है। उबलते 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 ही साफ़ हो ही जाएंगे, देखना आप ज़रूर। देखो अब 10 मिनट बाद हम देख रहे हैं ये, तो ये हो चुकी हैं, कलर बदल चुका है इनका। तो अभी इन्हें थोड़ा सा और काम बाकी है, साफ़ करनी है। अभी इसे गैस से उतार लेंगे, गैस कर दो बंद। अब थोड़ा सा काम इसमें बाकी है जो हमें करना है। देखो ये अभी बहुत गर्म है, इसे ध्यान से पकड़ना है, कभी हाथ ही जलवा लें कोई।
का सारा पानी हम निकाल देंगे। गरम है ना? ये पानी हमने कम कर दिया इसका। ले बाहर, इन्हें बाहर निकाल लो। अब हाथ जल रहे थे, गर्म थी, तो इसलिए हमने ये चिमटा होता है ना चिमटा, उससे। तो अब देखो कपड़े धोने का जो ब्रश होता है ना, उससे इसे हम ऐसे रगड़ देंगे जैसे कपड़े साफ करते हैं ना, तो बस ये ऐसे ही साफ हो जाएंगे, सिंपल। इसे ब्रश से साफ कर देना, कपड़े धोने का जो ब्रश होता है। देखो अब हमने ये वैसे साफ सी हो गई है, पानी से साफ करेंगे ना, पानी से धोएंगे तो और भी ज़्यादा चमकेंगी। बस थोड़ा सा इन पे ऐसे ही ब्रश से साफ करना है, जैसे कि कपड़े धोते हैं ना इस तरह से, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर ये भी, ये छोटे वाले पायल, इसे भी ऐसे ही साफ कर दो थोड़ा सा। पानी से साफ पानी से धो लेंगे तो देखना ये कैसी नई की तरह चमकेंगी। देखो अब हमने ये पानी से धो ली है, तो देखो पहले से ये कितनी साफ चमक रही है ना, हो गई ना साफ, पहले से बहुत साफ हो चुकी है ये, पहले गंदी हो रही थी, अब देखो पहले से बेहतर है, बहुत साफ हो गई है। सुनार ना इसी चीज़ का ये करने के, ये साफ करने के बहुत पैसे ले लेते हैं, तो आप ये काम घर पे ही कर सकते हैं देसी नुस्खे से। देखो साफ हो गई है। तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी? अगर काम करती है तो बहुत ही अच्छा है, यूज़ करके देखना ज़रूर, घर पे करके देखना, अच्छे से साफ हो जाएंगी पायल बिल्कुल। सुनार जो काम करता है वो आप घर में चुटकियों में कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई बात गलत लगी हो तो सॉरी। बाय, टेक केयर।